नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोक नगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र बदौलिया। आप हमारे YouTube चैनल एसआर अशोक नगर को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अशोक नगर जिले से संबंधित तमाम सारी जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध है। थाना चंदेरी के अंतर्गत दो दिन पूर्व हुई लूट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिन शनिवार को ब्रजकिशोर एवं लक्ष्मीकांत ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह विक्रमपुर से अशोक रावत की खदान से लौट रहे थे, तभी कुछ लुटेरों द्वारा उनकी बाइक रोककर फरियादी के साथ मारपीट की और कट्टे की नोक पर 10,000 रुपये सहित एक मोबाइल छुड़ा लिया गया है। लुटेरों ने लोगों की आवाज सुन वहां से भाग निकले। घटना के दर्ज होने के बाद चंदेरी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ऋतु केबरे के निर्देशन में थाना प्रभारी रोहित दुबे के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की योजना बनाई गई और आरोपियों को विक्रमपुर चौकी के पास दबोच लिया गया। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया गया है। उक्त आरोपियों पर पूर्व भी कई अपराध पंजीबद्ध हैं। अपराधी अर्जुन बुंदेला ने सागर में शराब की दुकान की लूटने का अपराध भी स्वीकारा है। शिकायत आई थी कि एक ब्रजकिशोर नामक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उसके खदान में काम करने वाले अर्जुन बुंदेला और रामकृष्ण अहिरवार ने मारपीट करके कट्टा अड़ा के उसके साथ में लूटपाट करी। तो इस संबंध में थाना चंदेरी में थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। रोहित दुबे सब इंस्पेक्टर उनके नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने मुस्तैदी से काम करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया और यहाँ पर लेकर आए। दो दिन की पीआर पर है। पूछताछ में पाया कि वो आदतन अपराधी रहे हैं और भी कई जिलों में इन्होंने अपराध किए हैं। इस संबंध में भी उनसे जानकारी ली जा रही है और आगे कार्रवाई की जाएगी। धारा कौन से लगाए गए? इसमें 394 IPC और 2527 आर्म्स एक्ट के तहत इसमें मुकदमा कायम किया।